उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर में योगी की अग्नि परीक्षा। बिहार के अररिया में नीतीश लालू का रिश्ता टूटने के बाद पहला सीधा मुकाबला, योगी नीतीश का सबसे बड़ा टेस्ट। यूपी बिहार के उपचुनाव, सबसे तेज नतीजे। अगर आप सोच रहे हैं कि इन तीन सीटों में, इन तीन लोकसभा उपचुनाव में मुकाबला एक तरफा होगा या प्रत्याशित होगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि पल पल तस्वीर बदल रही है और रोमांच एक T20 क्रिकेट मुकाबला का है। बड़ी तस्वीर इस वक्त क्या है, सीधे रुख करना चाहेंगे हम नेहा का। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की दो सीटों पर इस वक्त एक पर बीजेपी और एक पर समाजवादी पार्टी आगे है। पिछले दो घंटे में जिस तरह से काउंटिंग सेंटर से रुझान सामने आ रहे हैं, ये बड़ी तस्वीर आपको दे दे। गोरखपुर में आपको बता दें, सीट पर बीजेपी प्रत्याशी 3200 वोट से आगे चल रहे हैं यूपी के गोरखपुर में। इसके अलावा फूलपुर की बात करें तो बीजेपी 3731 वोट से पीछे चल रही है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार फूलपुर सीट पर आगे चल रहे हैं। बिहार की अररिया सीट पर आरजेडी लगातार, जब से काउंटिंग शुरू हुई है, अपनी बढ़त बनाए हुए है। उधर जहानाबाद विधानसभा पर आरजेडी आगे चल रही है, भभुआ में बीजेपी आगे चल रही है। यानी पिछला समीकरण जो बिहार में इन तीन सीटों पर था, कमोबेश वही देखने के लिए मिल रहा है इस वक्त भी। जहानाबाद में आरजेडी प्रत्याशी सुदय यादव 1141 वोट से आगे चल रहे हैं। तो आरजेडी के लिए अच्छी खबर फिलहाल जहानाबाद और अररिया से आ रही है। भभुआ में बीजेपी की रिंकी रानी 2793 वोट से आगे चल रही हैं। पहले भी ये सीट बीजेपी के पास रही है, लेकिन अब इस बार बड़ा और कड़ा मुकाबला यूपी में और खासतौर पर फूलपुर की सीट पर, जहाँ केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर, और सवाल वहां कमल खिल पाएगा या नहीं। केशव प्रसाद मौर्य की जो है साख दांव पर है, मगर मैं एक सवाल यहां पर अपने पैनलिस्ट के लिए रखना चाहता हूं कि जो मेहनत बीजेपी को या संघ के कार्यकर्ताओं को फूलपुर में करनी चाहिए थी, वो पूरी तरह से नदारद दिखाई दी। तो सवाल ये विनोद अग्निहोत्री, क्या केशव प्रसाद मौर्य के कद को सीमित करने के लिए के पीछे एक साजिश हो सकती है? देखिए, जब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश के, तो केशव प्रसाद मौर्य उनके समर्थकों को पूरी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो माना जाता है कि नीतीश अमित शाह जी जो भाजपा अध्यक्ष हैं, उनकी पसंद भी शायद मौर्य जी थे, लेकिन अचानक योगी जी का नाम आ गया और आदित्यनाथ योगी जो है मुख्यमंत्री बने, और तब से ही ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी के बीच में एक तनाव की खबरें लगातार आती रहती हैं कि उनके बीच में है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है, फूलपुर के नतीजे अगर बीजेपी हारती है तो उसका असर उत्तर प्रदेश की बीजेपी की राजनीति पर। राजकिशोर, क्या अंतर कला है अगर सीधा सवाल किया जाए, क्या जो हमें फूलपुर में इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्या उसका परिणाम है? मुझे लगता है फिर इसका श्रेय विपक्ष से छीनना होगा। अगर इस तरीके की बात की जाएगी सिर्फ, तो विपक्ष से श्रेय छीनना होगा। सपा और बसपा ने जो मिलकर काम किया, और बसपा ने खास तौर से सपा के प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट मांगे, वो एक महत्वपूर्ण, यानी कि आप अंतर कला नहीं मानते। सीधे शाज़ी अल्मी, क्या सवाल ये जो एक 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 अक्सर चर्चा होती है जिसे पॉलिटिकल गॉसिप कहते हैं, क्या आपको लगता है उसका परिणाम हमें फूलपुर में दिख रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार बराबर की मेहनत दोनों जगह हुई है, और हम जो बना रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और मौर्य वर्सेस योगी का एक एंगल देना चाह रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये साख की अगर बात है, अगर तो है तो दोनों के लिए है, पूरे भाजपा के लिए है, और जाहिर सी बात है थोड़ी निराशाजनक लग रहा है मामला, अभी फंसा हुआ मामला है, लेकिन आप किसी भी तरह से इसको अंतर कले और एक वन अपमैनशिप की बात दोनों बड़े कद्दावर नेताओं के लिए नहीं कह सकते। और जहाँ तक मौर्य जी भी हैं, जो सारे टॉप जो कमान है, आला कमान है, ना ही से पूरा आशीर्वाद, लेकिन कामकाज दोनों के बीच में बहुत बढ़िया समन्वय है जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। नेहा, अब हम सीधे रुख करेंगे अपनी सहयोगी नेहा का, क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जी, और इस वक्त की बड़ी खबर मैं दे दूं अभिसार। बिहार की बात करें तो अररिया लोकसभा सीट पर 1200 वोट से आरजेडी के उम्मीदवार सरफराज आलम आगे चल रहे हैं। बिहार में हम आपको बता दें नीतीश का टेस्ट है, लेकिन यहां पर अररिया में आरजेडी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है, और बढ़त की संख्या 1200 वोट फिलहाल आ रही है। सरफराज आलम, जो कि मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, वो लगातार आगे चल रहे हैं। अभिसार, जेपी, क्या एक परिवर्तन की हम उम्मीद कर सकते हैं? बढ़त कोई बहुत बड़ी नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता वो, अगर आरजेडी अररिया सीट हार जाती है तब लालू की पॉलिटिक्स के खात्मा के ये लगेगा, लेकिन लालू की पॉलिटिक्स का खात्मा आपको लगता है? और न सिर्फ लालू, तेजस्वी पर भी सवाल। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक सीट हार जाने से किसी पार्टी का भविष्य खत्म हो जाता है। ये जो सीट है अररिया की सीट, वहाँ पर ध्यान देना होगा कि 44% मुस्लिम मतदाता है,
जो पूरी तरह से एक ढंग से गोलबंद और आरजेडी के पक्ष में वो मतदाता है, साथ ही साथ यादवों का भी एक बहुत बड़ा चंक अररिया में है। तो ये दोनों जो सोशल कॉम्बिनेशन कोएलिशन है, ये बावजूद इसके बढ़त सिर्फ 1200 वोट्स की काफी मायने में। मैं संगीत रागी आपके पास आऊंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के नेता जगदम्बिका पाल जुड़ चुके हैं। जगदम्बिका जी, वो बहुत अच्छी तस्वीर बीजेपी के लिए फूलपुर से उभर कर नहीं आ रही है, और अगर वाकई चमत्कार हो जाता है इस गठबंधन का तो 2019 में आपके लिए मुश्किल है जगदम्बिका जी। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं अभी ये शुरुआती रुझान है। मैं खुद फूलपुर के भी उपचुनाव में गया था, गोरखपुर के भी उपचुनाव में गया था, और फूलपुर का जो उपचुनाव था वहाँ पे आपके भी रिपोर्टर्स गए होंगे, वहाँ पे काम बोल रहा था। जिस तरह से केशव मौर्य जी ने कभी नेहरू जी से ये क्षेत्र पहचाना जाता था, लेकिन बीच में जिस तरह से वहाँ पे जातीयता का, सांप्रदायिकता का, फिरका परस्ती का प्रतिनिधित्व हुआ, तो उसके बाद लोगों में बड़ी निराशा थी। और जब से केशव मौर्य जी जीते थे पहले लोकसभा में, अब वो सरकार में उप मुख्यमंत्री हुए थे, तो वहाँ पे गांव-गांव में सड़कें बन रही, गांव-गांव में विकास हो रहा, और वहाँ का इस बार का एजेंडा विकास का है। जगदम्बिका जी, आपने दो चीजें कही यहाँ पर, सुनिए ना, अगर समाजवादी पार्टी और बसपा में, जगदम्बिका आपने दो चीजें कही, आपने कहा काम बोल रहा था, पहली बात तो आपने समाजवादी पार्टी का स्लोगन चुरा लिया। नंबर दो, मेरा आपसे ये सवाल यहाँ पर ये है, काम बोल रहा था तो महज 37% वोट्स, आप जानते हैं इलाहाबाद शहरी इलाकों में 21% वोट्स, ये थी वोटर्स को लेके उत्साह। काम बोल रहा था तो कम से कम उसके परिणाम तो दिखने चाहिए थे, लोगों में उत्साह तो दिखना चाहिए था। नहीं, देखिए, निश्चित तौर से जो मतदान का प्रतिशत था वो घटा, जबकि हम उम्मीद करते थे कि चुनाव आयोग भी प्रयास कर रहा है और ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव में मतदान के प्रतिशत बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं ने जो मतदान का प्रतिशत है वो कम हुआ, और इसीलिए जो आज आप ये देख रहे हैं कि चाहे शुरुआती रुझान हो कि अभी भारतीय जनता पार्टी मतों से कुछ मतों से पीछे है, लेकिन आप ये निश्चित इस बात को मान लीजिए कि जब चुनाव परिणाम आएगा अभिसार जी, तो ये भाजपा के पक्ष में आएगा, फूलपुर के भी और गोरखपुर का भी आएगा, ये दोनों चुनाव जीत रहे हैं। और ये सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है, मुझे लगता है कि पिछले वर्षों में सपा बसपा के रिश्तों को, लेकिन आज कहीं ना कहीं सपा बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अवसरवादी लड़ाई आपके अनुराग भदौरिया, आप हंस रहे हैं साहब, समर्थन वो कह रहे हैं काम बोलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी का काम बोलता है, वहां पे गए थे, उन्होंने देखा होगा डेवलपमेंट, और शायद ये नहीं बता पाए कि लास्ट एक महीने से उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने इतने एक दो चार 50 मंत्रियों को लेके पड़े गांव-गांव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे, ये कटिया डालो, वो रोड तोड़ के बनाओ, तब भी आप पीछे जा रहे हो पाल साहब, कम से कम आप समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, काम बोलता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। काम तो कितना बोलता है सब जानते हैं, कारनामे कितने बोले उसका नतीजा सबने देख लिया, और अब आप देखिए सपा और बस अभी आ रहा है, एक घंटे में के बाद गेस्ट हाउस वाक्य के बाद हम सब जानते हैं यूपी की राजनीति, स्ट्रगल गोरखपुर में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है जीतने के लिए, ऐसी मजबूरी अनुराग भाई, ऐसी मजबूरी की फिर भी परेशान है, अब आपको पता चल जाएगा कि बड़ा भाजपा ने तो वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया, माया 8 साल यहाँ का, 5 साल का भूल गई, आप दोनों एक साथ भूलिए। और मेरे साथ आलोक शर्मा भी जुड़ गए कांग्रेस से। आलोक जी, देखिए कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में नहीं है, आपको लगता है गलती कर दी कांग्रेस ने आलोक जी इस मुकाबले में मैदान में उतर कर? आलोक जी, देखिए मैं समझता हूं कि जिस तरह का गठबंधन होना चाहिए था, अगर और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन उस पर एक तरह की सहमति शायद नहीं बन पाई जिस तरह की सहमति की कांग्रेस उम्मीद कर रही थी। लेकिन अभिसार भाई, एक चीज़ स्पष्ट सामने निकल कर आ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश का उपचुनाव रहा हो, राजस्थान का रहा हो, बिहार और उत्तर प्रदेश का रहा हो, कि जनता बीजेपी को हराने के लिए बाहर निकल चुकी है। 37% वोट पोलिंग होती है और उसके बाद बीजेपी कहती है कि काम बोल रहा है, और जिस तरह से 3-3 लाख वोटों से जो सीटें हारी थी वहां आज चंद वोटों से हार और जीत के फैसले हो रहे हैं, तो बीजेपी को हराने सवाल यहां पर ये आलोक शर्मा ये कह रहे हैं कांग्रेस से कि जनता बीजेपी को हराना चाहती है, मगर जब सियासी गठबंधन की बात आती है तो कांग्रेस धीमी गति से काम क्यों कर रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शाजिया, मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगा,
इस वक्त बड़ी खबर एक और आ रही है, हम सीधे रुक करेंगे नेहा का। अब इस बार बड़ी खबर फूलपुर से आ रही है, अच्छी खबर नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि दो राउंड्स की गिनती के बाद 1058 वोट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार फूलपुर से आगे चल रहे हैं। उनकी बढ़त लगातार कम हो रही है, घट गई है उनकी बढ़त, अब सिर्फ 1000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। तो फूलपुर में बीजेपी के लिए उम्मीदें एक बार फिर से बढ़ती हुई। ये है ABP News, आपको रखे आगे।